और हैकिंग हुई और ये हैक हो गया। भाई साहब एक बात बताइए, कर्नाटक में सरकार कैसे बनी? जब इनकी सरकारें बनती है वहाँ वहाँ ही ईवीएम सही क्यों है? कर्नाटक ही मान, मुझे ये बताइए वहाँ पे ईवीएम सही क्यों है, बाकी ईवीएम खराब क्यों है? क्या वहाँ इलेक्शन कमीशन अलग होता है? इलेक्शन कमीशन सेंट्रल बॉडी है, कोई स्टेट लेवल की बॉडी नहीं है। वही इलेक्शन कमीशन होता है जो हर स्टेट में करवाता है, और वही इलेक्शन कमीशन है जो सेंटर में करवाता है। तो एक बात बताइए, ये कैसे हो सकता है कि वो एक स्टेट में कर रहा है दूसरे स्टेट में नहीं कर रहा? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ये बड़ी दोहरी मानसिकता है। देश है, जर्मनी है, जापान है, अमेरिका है, जिन्होंने ईवीएम का आविष्कार किया वो खुद अब बैलेट पेपर से चुनाव करवा रहे हैं। इसका मतलब वो मूर्ख है क्या? विकसित देशों को अपने को फॉलो नहीं करना चाहिए? 50% स्टेट ऐसी है या ईवीएम से इलेक्शन हो रहा है, और ब्राजील, भूटान, वेनेजुएला वहाँ फुल फ्लैश ईवीएम चल रहा है। और बताओ ये 50, अभी अमेरिका में 50% है और अभी उसे करने जा रहा है। ये तो बैलेट बॉक्स की बात कर रहे हैं भैया। बैलेट बॉक्स यार क्या बताओ, कि बैलेट बॉक्स में करो और घोटाले हो, मतलब वो आए और बूथ कैप्चरिंग हो जैसे पहले होती है। और 1987 में कौन लाया ईवीएम? कांग्रेस लेके आई। ईवीएम होती है ना, ईवीएम से इलेक्शन होता है, वीवीआईपीटी होता है, और वीवीआईपीटी में सब पार्टियों को बुलाया जाता है और सॉरी डेमो दिया जाता है। अगर कोई ना पहुंचे बातों में, कोई ना पहुंचे तो क्या कर सकते हैं हम? हर पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सबको बुलाया जाता है। अरे ये ऐसे ही है, ये इनका जो है ना, ये आगे अगर अभी बैलेट बॉक्स से भी करा दोगे ना, और बैलेट बॉक्स से भी जीत जाएंगे, ये लांछन लगाते रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे। मैं आते हैं ना तो आपको बड़े इज्जत से कह रहा हूँ, आपने जो गाय माता को हमारी बोली थी ना, आज तक वो रिकॉर्ड हमारे पास पड़ी हुई है, आप याद कीजिए और हमारे सकल भी याद कीजिए। अभी भी कह रहा हूँ गोतिया पे प्रतिबंध लगाना चाहिए बीजेपी को। कांग्रेस ने क्या बोला था गाय माता को, क्या बोला था? प्रतिबंध लगा, ये ऐसे ऐसे बाल इनके पक गए हैं, दाढ़ी पक गए हैं, लेकिन शर्म नहीं आती। इन्होंने गाय माता को ड्रीम गर्ल तक बोला है, इनको ये शर्म नहीं आती हमारी माता को? और ये पूछ रहे, अरे आपका अभी भी डिबेट बढ़ा हुआ है, आपका अभी भी वो वीडियो पड़ी हुई है। तो महिला जिसने गांव में तो ड्रीम गर्ल बोला था, अरे गोत्या करने वालों को बोला। अरे यार ऐसा है कि देश के लोकतंत्र इतिहास में ये 2024 का लोकसभा चुनाव ऐसा है कि जिसमें चुनाव होने से पहले ही सबको पता है कि बीजेपी की 400 प्लस सीटें आने वाली है। जब जब रिजल्ट सबको मालूम है तो आखिर चुनाव करवाई क्यों रही है? ये चुनाव आयोग भाई, आज 5,000 करोड़ रुपए का खर्चा होगा, आज देश को पहले से ही 205 लाख करोड़ का खर्चा है, फिर आप ये चुनाव करके क्यों मतलब देश को और कर्जा कर्जे में डबना चाहते हैं? अनुमान लगा रहे ना पार्टी, थोड़े ना आ गया उतना अनुमान नहीं, ये निश्चित है। मैं तो कहता हूँ कांग्रेस और सभी विपक्षी दलों को क्लियर कट कह देना चाहिए कि अगर 2024 का चुनाव ईवीएम से होता है तो हम इस चुनाव में भाग नहीं लेंगे, इस चुनाव का बहिष्कार करते हैं। बीजेपी अनुमान लगा रही है फाइनल नहीं होगी कि 400 आ जाएगा? अरे 400 पक्का है, अगर ईवीएम से चुनाव होता है तो ये 400 प्लस सीट आएगी इनकी, बीजेपी की, बिल्कुल पक्का है। इन्होंने सारी सेटिंग कर रखी है पहले से, बिल्कुल हाँ, मशीन की हैकिंग करते हैं, सब सेटिंग हो रखी है। मैं एक बात कहूँ, अगर मान लो ईवीएम से करवा भी ले तो जब चुनाव होता है रिजल्ट डिक्लेयर करने में सिर्फ 2 दिन का समय ले, इससे ज्यादा नहीं। जब आप चुनाव कराते हो 15-15 दिन मशीनों को गोदाम में रख देते हो, उसके बाद में आप रिजल्ट डालते हो, तो इस 15 दिनों में क्या खेल होता है, किसको क्या पता क्या खेल करते हो आप? कहने का मतलब तेलंगाना में चुनाव हुआ तो 2 दिन में सिर्फ उनको समय मिला, वहाँ पे ये हैकिंग नहीं कर पाए। मगर इससे पहले जब चुनाव हुआ एमपी में, राजस्थान में, इनको 15 दिन का समय मिल गया तो हैक हो गया, तो और हैकिंग हुई और हैक हो गया। भाई साहब एक बात बताइए, कर्नाटक में सरकार कैसे बनी? जब इनकी सरकारें बनती है वहाँ वहाँ ही ईवीएम सही क्यों है? कर्नाटक ही मान, मुझे ये बताइए वहाँ पे ईवीएम सही क्यों है, बाकी ईवीएम खराब क्यों है? क्या वहाँ इलेक्शन कमीशन अलग होता है? इलेक्शन कमीशन सेंट्रल बॉडी है, कोई स्टेट लेवल की बॉडी नहीं है। वही इलेक्शन कमीशन होता है जो हर स्टेट में करवाता है, और वही इलेक्शन कमीशन है जो सेंटर में करवाता है। तो एक बात बताइए, ये कैसे हो सकता है कि वो एक स्टेट में कर रहा है दूसरे स्टेट में नहीं कर रहा? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ये बड़ी दोहरी मानसिकता है। 2014 से पहले जब ईवीएम में इनकी सरकारें बनी तब ईवीएम में कुछ नहीं था। मोदी ईवीएम में, एक बात बताइए, मोदी 2014 में आया वो उस टाइम में इलेक्शन कमीशन किस गवर्नमेंट के अंदर में था? कांग्रेस के अंदर में। कैसे मोदी आ गया? बीजेपी ने खुद ने ईवीएम बंद करने की मांग की थी,
लाल कृष्ण आडवाणी ने आंदोलन किया था, उन्होंने कहा था ये ईवीएम को बंद करो, इनके खुद के नेता ने कहा था उस समय। अब क्या है कि इनको सारी सेटिंग पता चल गई, अब इनको मालूम है कि हैकिंग कर रहे हैं, अब ये विरोध में आ गए। लाल कृष्ण आडवाणी ने इनको पूछो, इन्होंने खुद ने विरोध नहीं किया था। मैं बताता हूँ, ये बोल रहे हैं उन्होंने ये किया था। एक बात बताइए, बैलेट पेपर से ईवीएम पे आए, ईवीएम से किस सरकार ने सबसे ज्यादा चुनाव लड़ा आज तक, किसने लड़ा है? आज वो सरकार ईवीएम के खिलाफ क्यों है वो पार्टियां? जब वो लोग अगर ये स्टैंड हो सकता है तो टेक्नोलॉजिकल स्टैंड, चलिए मान लीजिए किसी नेता ने कहा कि भाई बैलेट पेपर से कराओ, ईवीएम से मत कराओ, बट अब आने वाले जो नए युग के नेता है जो आ रहे हैं उन्हें लग रहा है कि ईवीएम इज बेटर ऑप्शन, ताकि जल्दी हो रहा है, तो दिक्कत किस चीज की है? दिक्कत ये है कि जो दुनिया के विकसित देश है, जर्मनी है, जापान है, अमेरिका है, जिन्होंने ईवीएम का आविष्कार किया, वो खुद अब बैलेट पेपर से चुनाव करवा रहे हैं। इसका मतलब वो मूर्ख है क्या? विकसित देशों को अपने को फॉलो नहीं करना चाहिए? 50% स्टेट ऐसी है या ईवीएम से इलेक्शन हो रहा है, और ब्राजील, भूटान, वेनेजुएला वहाँ फुल फ्लैश ईवीएम चल रहा है, और बताओ ये 50, अभी अमेरिका में 50% है और अभी उसे करने जा रहा है। ये तो बैलेट बॉक्स की बात कर रहे हैं भैया, बैलेट बॉक्स यार क्या बताओ, कि बैलेट बॉक्स में करो और घोटाले हो, मतलब वो आए बूथ कैप्चरिंग हो जैसे पहले होती है। और 1987 में कौन लाया ईवीएम? कांग्रेस लेके आई, ठीक है। अब ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं जी उन्होंने एक का 1900 पहले शुरू शुरू में जब ईवीएम आई उस समय मिसयूज नहीं था, अभी भी मगर अब मिसयूज ज्यादा हो रहा है। अब तो जहाँ ईवीएम रखे जाते हैं वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, लाइट चली है तो बैकअप है भाई साहब, कुछ कर ही नहीं सकता वहाँ पर, मिसयूज होता है। जब जीत जाते हैं जब मिसयूज नहीं होता, हार जाते हैं तो मिसयूज होता है। ईवीएम को जल्दबाजी में क्यों चला दिया गया, जब ये वकीलों ने, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने पिटीशन फाइल की कि ईवीएम में घोटाला है, तो ईवीएम की जिस ईवीएम की जांच होनी थी उनको जला दिया, उनको ऐसा ही चला दिया। अरे यार देखो, जब भी कोई ईवीएम होती है ना, ईवीएम से इलेक्शन होता है, वीवीआईपीटी होता है, और वीवीआईपीटी में सब पार्टियों को बुलाया जाता है और सॉरी डेमो दिया जाता है। अगर कोई ना पूछे, बातचीत कोई ना पूछे तो क्या कर सकते हैं हम? हर पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सबको बुलाया जाता है। अरे ये ऐसे ही है, ये इनका जो है ना, ये अभी अगर अभी बैलेट बॉक्स से भी करा दोगे ना, और बैलेट बॉक्स से भी जीत जाएंगे, ये लांछन लगाते रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे। जो पट्टी से शान पे कंट्रोल किया जा सकता है तो ये क्या चीज है? धरती पे बैठ के आप वहाँ से कंट्रोल कर। एक बार इलेक्शन कमीशन ने दिया भी था कि सारे विपक्षियों को बोला था आके अपना ईवीएम चेक कर लो, कोई भी आगे नहीं आया, किसी ने माँ का दूध नहीं पिया था। और इनको एक जनाब, आप जो कैमरे में आते हैं ना, तो आपको बड़े इज्जत से कह रहा हूँ, आपने जो गाय माता को हमारी बोली थी ना, आज तक वो रिकॉर्ड हमारे पास पड़ी हुई है, आप याद कीजिए और हमारा सकल भी याद कीजिए। अभी भी कह रहा हूँ, गोतिया पे प्रतिबंध लगाना चाहिए बीजेपी को, कांग्रेस ने क्या बोला था गाय माता को, क्या बोला था प्रतिबंध? ये ऐसे बाल इनके पक गए हैं, दाढ़ी पक गए हैं, लेकिन शर्म नहीं आती, इन्होंने गाय माता को ड्रीम गर्ल तक बोला है, इनको ये शर्म नहीं आती हमारी माता को? और ये पूछ रहे, अरे आपका अभी भी डिबेट बढ़ा हुआ है, आपका अभी भी वो वीडियो पड़ी हुई है, ये क्या है, पूरी बात नहीं सुनते हैं। मैंने कहा कि ये देखो मेरे पास एक रिकॉर्ड है, प्रति वर्ष 18,50,000 मेट्रिक टन बीफ का एक्सपोर्ट होता है, जब कांग्रेस के सरकार में भी होता था, तो मैंने कहा कांग्रेस में होता जब ये कोसते थे कि गोहत्या क्यों हो रही है, तो अब आपने 5 गुना बढ़ा दिया यार, मतलब आप क्यों गोहत्या कर रहे हो? अपन धर्म की बात करते हैं भाई, तो राम की बात करते हैं, तो गोहत्या पे हमारे को प्रतिबंध लगाना चाहिए ना, मैं यूं कह रहा हूं, प्रतिबंध लगाना चाहिए। गाय माता को ड्रीम गर्ल कहा था इन्होंने, ये कहा था ये क्या, तो मैं कह रहा हूं कि जो लोग ये नकार दे, आपने बताया कि अरे मैं कह रहा हूं जो लोग गोहत्या करते हैं, पूरी बात नहीं सुन रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग गो हत्या करते हैं उनके लिए ड्रीम गर्ल है वो, हमारे लिए नहीं। अरे बात ये पूरी बात नहीं सुनते हैं। मैंने क्या कहा कि जो लोग गो हत्या का बढ़ावा देते हैं उनके लिए है वो, हमारे लिए नहीं। हम गौ माता को बचाना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं। बोला है अरे जो लोग गोहत्या कर, जो लोग गोहत्या करते हैं उनको, उनके लिए काम है, उनके लिए। इन्होंने अभी तक ये बोले जिन्होंने, सुनिए मेरी, हाँ है ना, बोला है नहीं, अरे जो हत्या करते हैं वो उनके लिए है, इन्होंने यही कहा था भारतीय जनता, सुनिए, इन्होंने यही कहा था जैसा भारतीय जनता पार्टी के लिए धर्म एक वोट बैंक बन चुका है, वैसे ही गौ रक्षकों के लिए गौ माता ने गौ ड्रीम गर्ल है, इन्होंने ये कहा।
निकाला था, उनके लिए निकाला था इन्होंने। आप क्या बोल रहे हो कि जो गौ हत्या करते हैं उनके लिए वो क्रिमिनल है? अरे जो गौ हत्या करते हैं उनका तो विरोध करना पड़ेगा, उनके लिए विरोध करना पड़ेगा। तो आपने उनके लिए कहा था तो भाई, अरे आप अपना पॉइंट क्लियर कीजिए। देवी है ना, मानते हैं ना, देखिए गाय जो है आप चाहे कितना भी आप मॉडर्न कल्चर को अपना लीजिए, मॉडर्न कल्चर को व्यस्त कल्चर अपना लीजिए, आप इंडिया से नहीं हार सकते। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मोदी जी को गोत्या पे प्रतिबंध लगाना चाहिए पूरी तरह से। मैं यही तो कह रहा हूँ, आपके घर में किसी के साथ महिला या आपकी माता जो मेरी बहन है या आपकी जो वाइफ जो मेरे माता के समान है उनके साथ गलत हो जाता है या आपकी बेटी के साथ गलत होता है तो आप कहोगे कि मेरी बेटी ड्रीम गर्ल है? आप ये कहोगे वो सामने वाले के लिए मेरी ड्रीम गर्ल है? अरे जो लोग ये कोई चीज को ये मतलब गलत समझ रहे हैं, मतलब कोई बात को मैं कह रहा हूँ। अरे तो अरे अब इनको समझाना चाहिए, अरे आप मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, आप मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। मैं अभी भी कहता हूँ मैं गोत्या का हमेशा विरोध करूंगा। मेरे लिए गाय पूजनीय है मोदी जी को, गोत्या पे प्रतिबंध लगाना चाहिए मोदी जी को। अरे लगाते हैं आपके घर में आपके बहन बेटियों के साथ कुछ गलत हो जाए आप उनको कहोगे ड्रीम गर्ल? आपको शर्म नहीं है? आपने बोला है नहीं बोला? अरे गोत्यारों को मैं अभी भी कहूंगा उनके लिए, मेरे लिए उनके लिए। कोई अपनी ड्रीम गर्ल की हत्या कैसे कर सकता है? क्या उनके लिए भी वो ड्रीम गर्ल कैसी हुई? क्योंकि वो उनसे पैसा अर्जित करता है, जो बीफ को अपना एक्सपोर्ट करते हैं ना ड्रीम गर्ल, वो उनके लिए विकास करते हैं। ड्रीम गर्ल का जो आप संज्ञा दे रहे हैं ना, ये गलत है। और बोलते हैं आप, अरे वो क्या करते हैं? आप एक बात बताइए, आपकी अब एक बात बताइए, आपकी बेटी जॉब करती है? जॉब करती है ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो ड्रीम गर्ल हो गई? अरे बात तो ये ड्रीम गर्ल हो गया। ये लोग जो बीफ को एक्सपोर्ट करते हैं उससे वो इनकम अर्जित करते हैं, उनके लिए वो सपना है विकास का। बोलने से पहले शब्दों की मर्यादा सोनिया गांधी है, आप हमसे बड़े हैं। महिला जिसने गाँव में महिला जिसने गाँव में तो ड्रीम गर्ल बोला था, अरे हत्या करने वालों को बोला? अरे यार जो व्यक्ति अपनी बेटी को ड्रीम गर्ल बोल सकता है, ठीक है, जो अपनी माँ को ड्रीम गर्ल बोल सकता है, अपनी बहन को ड्रीम गर्ल बोल सकता है, उसे गौ माता के लिए उसके लिए कोई सीन नहीं है। हम इसका माफ करते हैं, इसकी बेटी ड्रीम गर्ल है भाई, एवरीबॉडी लाइक, हम लाइक करते हैं भाई गाय की ड्रीम गर्ल को। लेकिन हाँ सुनिए, आप पता है क्या, अपनी बेटी को ड्रीम गर्ल बोलिए वो मुझे चलेगा, लेकिन अगर आपने किसी भी माता को पिता को या किसी भगवान को, सुन लीजिए अगर आप उन्हें ड्रीम गर्ल बोलेंगे, ठीक है, तो शायद हम मर्यादा छोड़ देंगे, बहुत अच्छा लगा बात करके। लड़ाई बंद करिए, पुलिस वाले बंद कराने आए दोस्तों, बाकी ऐसे ही बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए द लोकसभा।